हेलो माय डियर स्टूडेंट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकॉर्डिंग टू एन नेक्स्ट पेज पे आते हैं आप एन ओपन करिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पे आते हैं उस चैप्टर के फर्स्ट पेज के लास्ट पैरा पे आते हैं लिखा है ना यहाँ पर

इसमें मालिक्यूल रैंडम फैशन में मूव करते हैं है ना ये स्लो प्रोसेस है नॉट डिपेंड ऑन द लिविंग सिस्टम डिफ्यूज़न ग्रेडियंट कंसल्टेशन पे डिपेंड करेगा फैसलेटेड डिफ्यूज़न भी एक टाइप का डिफ्यूज़न है इसमें डिफ्यूज़न का रेट साइज ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है ठीक है डिफ्यूज़न में लिपिड सल्यूबल आसानी से पास हो जाते हैं है ना और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि डिफ्यूजन कोई डू नॉट सेट अप द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है ना और इसमें एक प्रोटीन होती है जो फैसिलेट डिफ्यूजन कराती है फैसिलेट बाई द प्रोटीन है ना आगे बोल रहा है फैसिलेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव दिन अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ ए टी पी इसके अलावा एक लाइन लिखी फेसिलेट डिफ्यूजन कैन नॉट कॉस्ट नेट ट्रांसपोर्ट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैन कैन नॉट नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट इसको जरूर पढ़िएगा नेक्स्ट पेज पे आते हैं डिफ्यूजन वेरी स्पेसिफिक है फेसिलिटी डिफ्यूजन वेरी स्पेसिफिक है है ना और ये इनविटर से रुक जाएगा ठीक है इसमें पोरिंस होते हैं जो प्रोटीन के लार्ज पोर है और स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल को पास करते हैं लार्ज पोर हैं स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल को पास करते हैं ना और ये बोलना वाटर चैनल मेडअप ऑफ एट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वा पोरिंग तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्लियर हो गया यूनिपोर्ट एंटी पोर्ट सिम्पोर्ट भी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट पेज पे आएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपन पंप्स बोलते हैं पंप्स या प्रोटीन इनमें एनर्जी लगेगी क्लियर हो गया और इसको अफिल ट्रांसपोर्ट भी बोलेंगे प्रोटीन जहाँ पे होगी वो हो, सेंसिटिव होगी इनिवेटर के लिए ठीक है इन्वेटर आने पे प्रोटीन काम नहीं करेगी कंप्रीजन चार्ट जरूर देख लीजिएगा ये फ्लब दी बलेंस के फॉर्म में आ सकता है इस पैरा में ये डेटा इंपॉर्टेंट है वाटर मेल हैव टू नाइन्टी परसेंट वाटर है ना हरबेस प्लान में टेन टू फिफ्टीन परसेंट वाटर होता है अगले पिच पे और दिया हुआ है कि ट्रांसप्रेशन जो कॉर्न का प्लांट होता है थ्री लीटर पानी को ए डे लॉस करता है मस्टर प्लांट एब्जॉर्ब करता है कितना फाइव आवर तो ये ऐसे कर सकते हैं कि मस्टर प्लांट को कर कह दें कि वो कॉर्न प्लांट और कॉर्न प्लांट को कर दें मस्टर प्लांट तो ये भी एब्जॉर्ब कर, कर रहा है ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है क्लियर हो गया आगे वाटर पोटेंशियल पे आते हैं तो वाटर मोलिकुल में काइनेटिक एनर्जी होती है है ना और इन्होंने बोला है कि इफ़ द टू सिस्टम जो पास पास होंगे है ना उनमें वाटर मालिक्यूल हाई एनर्जी से कहाँ जाएगा लोअर की तरफ जाएगा ग्रीक सिंबल साई हो गया नॉट अंडर एनी प्रेशर ये जीरो होता है प्योर वाटर का स्टैंडर्ड नॉट एनी एनीर जीरो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है सोल्यूट इन ए प्योर वाटर तो उस मालिक्यूल की एनर्जी क्या होगी कम हो जाएगी फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी है ना सलूट पोटेंशियल ऑलवेज क्या होगा निगेटिव होगा जितना सलूट डालोगे है ना मोर निगेटिव होगा पूछते हैं अक्सर मोर सलूट मोर निगेटिव क्लियर हो गया W साई W साई S के बराबर हो गया ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है प्रेशर ग्रेटर देन द एटमोसफरिक प्रेशर वाटर ऑफ ए सोलूशन तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा इंक्रीज होगा नेक्स्ट पेज पे आते हैं प्रेशर पोटेंशियल पढ़ लीजिएगा ऑसमोसिस पे आते हैं ऑस्मोसिस जो है एक टाइप का डिफ्यूज़न है तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है द नेट डायरेक्शन ऑफ रेट और डिपेंड ऑन द प्रेशर ग्रेडियन एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियन वाटर विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल एक्चुअल में आप लोग कंसनटेशन पढ़ते हैं तो वहाँ केमिकल पोटेंशियल वर्ड आ सकता है ये तीनों सवाल एक बार देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है है ना ये जो डायग्राम इसमें लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफरिंग इन ये ऑस्मोसिस की दिस प्रिवेंट ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बता रहा है ये इम्पोर्टेंट है ऑस्मोटिक पोटेंशियल निगेटिव होता है जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है एक पॉजिटिव प्रेशर है ऑस्मोटिक पोटेंशियल निगेटिव प्रेशर है है ना ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है प्रेशर जो एक पॉजिटिव प्रेशर है यहाँ पे भी जो थ्योरी लिखी वो भी इम्पोर्टेंट है आइसोटोनिक की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है प्लाज्मोलिसिस की ये लाइन इंपॉर्टेंट है इन्होंने सीधे लिख दिया वाटर मूव्स आउटसाइड द सेल श्रिंक श्रिंक हो गई तो प्लाज्मोलिसिस हो गया नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यहाँ पर फ्लैसिड की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है और आइसोटोनिक की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है है ना यहाँ पे पूरा प्लाज्मोलाइज दिया हुआ है ये डायग्राम अच्छे से देख के जाइएगा टर्गर प्रेशर आपको पहले ही से मालूम है और हाइपरटोनिक सोल्यूशन भी मालूम है प्लाज्मोलाइज सेल के में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा होगा टर्गर प्रेशर इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है ट्यूब पर आप देखिएगा नेक्स्ट पे आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ये डेटा इंपॉर्टेंट है ये ठीक है और ये मास फ्लो है दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन वेयर डिफरेंट सब्सटेंस मूव इनडिपेंडली डिपेंडिंग ऑन देयर कंसेंट्रेशन गेडियन बल्ब फ्लो कैन बी अचीव आईदर थ्रू ए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रेशर है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रेशर दिया हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन लास्ट वाली इंपॉर्टेंट है इसको ढंग से देखिएगा नेक्स्ट पे आते हैं ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं इधर इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है एपो प्लास सिम प्लस इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है कैसपेन स्टिप का मूवमेंट एपोप्लास्ट में आएगा या सिम में आएगा इसको भी पढ़िएगा नेक्स्ट पेज पे आएंगे सिम प्लास्टिक मूवमेंट जो है वो प्लाज्मोटमेटा से होगा ये इम्पोर्टेंट है टेंशन डेवलप होती है वो एपोप्लास्ट में होगी सिम प्लास्ट में टेंशन डेवलप नहीं होगी हाइडिला का यूज करेंगे हम सिम प्लास्टिक मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए कैसपेन आपको पढ़ा चुके होंगे आपने पढ़ी होगी इनर बाउंड्री पे होती है वाटर वॉटर मॉलिकुलरबल टू पेंट्रेट इसमें वो पाया थी ना लेयर इसलिए इससे वाटर पास नहीं होता ठीक है हाँ ये पैरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है माइकोराइजा एसोसिएशन इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है माइकोराइजा में एग्जाम्पल दिया हुआ है द फंगस मिनरल्स ये एन कंटेनिंग कंपाउंड ये इम्पोर्टेंट है फाइनस वाला एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है रूट प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है ये भी इम्पोर्टेंट है पुशिंग ऑफ द वाटर पुशिंग है पुलिंग नहीं है क्या कर रहा है पुशिंग ऑफ द वाटर है ठीक है इसमें लास्ट में आइए रूट प्रेशर कैन बी बेस्ट मॉडे ओवरऑल प्रेशर डू नॉट प्ले मेजर रोल इन द वाटर मूवमेंट अप टू टॉल ट्रीज है ना ग्रेटर कैन रीस्टेब्लिशमेंट हेल्प करता है ये डज नॉट अकाउंट द मेजोरिटी ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा इससे ट्रांसपरेशन पुल भी इम्पोर्टेंट है इससे पानी कम से कम पंद्रह मीटर ऊपर जाएगा है ना और जितना ही पानी मूव करता है कोई सी और एडेसिव प्रॉपर्टी के मूवमेंट से मतलब कोई सी एडेसिव प्रॉपर्टी के मॉडल से पुल अप होता है है ना कोई सी टेंशन ट्रांसपेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ठीक है हाँ और ये ट्रांसपोर्ट स्टोमेटा के थ्रू होता है जिसको हम ट्रांसपरेशन कहते हैं सिंगुलर पार्ट को कोट लॉस ऑफ वाटर प्लांट बॉडी ये इम्पोर्टेंट है ठीक है ट्रांसमिशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड केवल वाटर के ही मूवमेंट को ये नहीं करते स्टोमेटा गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं है ना स्टोमेटा चेंज गार्ड सेल्स स्टोमेटा पर्चर इस एंड इलास्टिक वॉल है इंपॉर्टेंट है थिक एंड इलास्टिक वॉल है इनर साइड ऑफ द गार्ड सेल ये इंपॉर्टेंट है प की होती है है ना सैलोस माइक्रोफाइबर्स का ओरिएंटेशन रेडियल होता है ये भी इंपॉर्टेंट है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा क्लियर हो गया है ना आगे चलते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि मोनोकॉट में आइसोबॉलेटल होते हैं इक्वल होती बोथ सरफेस और वो डंबल शेप स्टोमेटा होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर लाइट ह्यूमिडिटी विंड स्पीड है प्लांट फैक्टर में इंक्लूड द नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा आएगा नेक्स्ट लाइन पे आते हैं ये तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है ये पैरा भी बहुत इम्पोर्टेंट है है ना इसके अब आगे चलेंगे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये डायग्राम भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है है ना ये डायग्राम भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, है नेक्स्ट पेज पे आते हैं हाँ ये इम्पोर्टेंट है सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है ये पैरा बहुत इम्पोर्टेंट है ओनली हाफ मैं सी थ्री प्लांट्स ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था मैंने सी फोर प्लांट आर ट्वाइस एज एफिशियंट एज ए थ्री सी थ्री फिक्सिंग मतलब सी फोर प्लांट सी थ्री कंपेयर में दो गुना फिक्स करते हैं लेकिन जो है वाटर लॉस हाफ करते हैं ये पैरा इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है ठीक है अब टेक और मिनर साइन दो तरीके से होगा फर्स्ट और सेकेंड एक्टिव एबजॉपन है यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है एंडोडर्मल सेल है ना इनमें कंट्रोल पॉइंट होता है ये ये इम्पोर्टेंट है कंट्रोल पॉइंट वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है जिसको आप अच्छे से पढ़िएगा नेक्स्ट पेज पे आते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स एंड आयन ये इम्पोर्टेंट है चीप सिंह कौन मिनरल्स का ग्रोइंग रीजन है ऑफ द प्लांट्स है ना पाइकल एंड लेटल यंग लीव सब क्या है ये सब चीफ सिंह अनलोडिंग ऑफ मिनरस आयन क्या द फाइन वेन थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव ऑप्टिक बाई दी सेल तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसको आप ढंग से देखिएगा है ना रीडली मोबालाइज फॉसफोरस सल्फर नाइट्रोजन पोटेशियम तो ये बड़ा कन्फ्यूजन करता है एक्चुअल फॉसफोरस नाइट्रोजन और पोटेशियम तो मोबाइल एलिमेंट है फॉस्फोरस जो है वो रिमोबलाइज्ड है सल्फर इतना ज्यादा रिमोबलाइज्ड नहीं है तो सल्फर को आप उसमें नहीं रखेंगे और इस पेज में इतना तो कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है एक तो अपवर्ड बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा जाइलम का मूवमेंट कैसा होगा यूनी डायरेक्शनल होगा फ्लोएम से मेनली और वाटर होता है है ना और इसमें हारमोन अमीनो एसिड भी ट्रांसलोकेट होते हैं थ्रू द फ्लोएम जब नेक्स्ट पेज पर पे आएंगे तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज प्रिपेयर होता है फोटोसिंथिस के थ्रू So, के फॉर्म में ट्रांसफर होता है ये पूरा इम्पोर्टेंट है और इसका मैंने स्पेशल से अलग से वीडियो बनाया हुआ है उसको आप देख लीजिएगा है ना ट्रांसपोर्टेशन दोनों साइड्स होगा ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर तो ये पूरा इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट पेज पे आते हैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट ये इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा चुके हैं कि अगर मैं फ्लोएम को रिमूव कर दूं तो क्या होगा और ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है जबकि ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट प्रूफ करता है कि मूवमेंट दो डायरेक्शन में होता है इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हुआ अपना फीडबैक दीजिए लाइक करिए एंड कमेंट करिए ओके बाय